गुड डे टू ऑल ऑफ यू। ये बीएड एंट्रेंस जीके जीएस का आंसर की मैं अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ऑप्शन लिखा हूँ और उस ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है वो मैंने लिखा है, तो आप लोग मिला लेंगे फिर बताएंगे कमेंट करके कितना आ रहा है। ऐसे इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड किया तो कोई कमेंट करके बताया नहीं कि मुझे कितना मार्क्स आ रहा है, मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके बता रहा है, भाई आप कमेंट में बताओ कि कितना मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं एक कट ऑफ बताऊँगा कि क्या कट ऑफ रहने वाला है नहीं रहने वाला है। तो 56 का सी होगा जिसका ऑप्शन प्रजापति है, 57 का ए डेविड ईस्टन, 58 का डी राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर, और फिर 59 का जो है बी है जिसका आपके पास ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और उसके बाद फिर आपके पास 60 का सी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड 61 का जो है आपके पास ऑप्शन बी है कंपनी एक्ट था 1956, और 62 का डी होगा तमिल भाषा, 63 का बी होगा सद्भावना दिवस, 64 का भी बी होगा नेफ्रॉन, और 65 का सी वायरस, 66 का डी होगा विमल्डन, 67 का ए एस्क्वेस, 68 का सी होगा साहित्य, 69 का सी ऋषि कपूर, 70 का डी किरण बेदी, 71 का सी मणिपुर, 72 का सी यूनाइटेड किंगडम भारत और यूनाइटेड किंगडम, और 73 का बी हरिलाल हीरालाल जेकानिया होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन हाँ ठीक है 73 का, पर क्वेश्चन में फिर से देख लूँ 72 73, यस तो इसमें लिखा है हरिलाल जेकानिया, कोई बात नहीं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो 73 का बी, और उसके बाद 74 का सी है, ये है हीरालाल चौधरी, ठीक है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और 75 का डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और 76 का ए कछुआ, 77 का ए उच्च दबाव निम्न तापमान, और 76 का ए हो गया, 77 का ए उच्च दबाव निम्न तापमान, 78 का सी केपलर का नियम है, और 79 का इनमें से कोई नहीं अर्थात डी होना चाहिए, 79 का डी, और 80 का डी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। उसके बाद 81 का डी होगा, ठीक है अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, और 82 का ए होगा भोजन दस्तानी में, उसके बाद 83 का ए साइटोप्लाज्म, उसके बाद 84 का बी केचुआ, 85 का डी उपरोक्त सभी, 86 का डी अनुवांशिक प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद 86 का डी हो गया, 87 का सी घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी, और 88 का बी डॉल्फिन, 89 का बी कीड़ों का, 90 का सी गीगा हर्ज, 91 का बी सिलिकॉन, 92 का डी ये सभी, और 93 नंबर का देखिए इसका ऑप्शन क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग होना चाहिए मेरे अनुसार से, 93 का या तो बी होगा, फिर अगर बी नहीं होगा तो डी होगा, तो कन्फ्यूजन है, 94 का डी तीर्थ, और 95 का डी, फिर 96 का डी उपरोक्त सभी, कितना ही है 97 98 99 100 ये क्वेश्चंस, उसके बाद आपके साथ ये शुरू हो जा रहा है थोड़ा सा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है थैंक यू।